जी हाँ, अफसरनामा में इस बार खास मेहमान होंगे हमारे साथ, जिन आँखों की रोशनी ऊपर वाले की तरफ से या कहिए कि प्रकृति की तरफ से छीन ली जाती हैं, उन आँखों को रोशन करने का जिम्मा इनके पास है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि दुनिया के सभी रंग ये लोग उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद होंगे नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हेमचंद यादव के अलावा होंगी सुषमा गुप्ता, उनसे बात करेंगे। उनके दफ्तर में हम आए हुए हैं। हेमचंद यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कितने लोगों को जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, उन लोगों को आप लोगों ने ज़िंदगी एक जैसे आम होती है उसे बनाने की कोशिश की। अब तक एक साल के अंदर करीब हम 1000 ब्लाइंड को रिहैबिलिटेट करते हैं, और अभी से यहाँ से करीब ये संस्था 1980 में स्थापित हुई थी। ये इसका हेड ऑफिस मुंबई में, जिसकी 25 राज्य स्टेट ब्रांचेज हैं, जिनमें एक हरियाणा स्टेट ब्रांच है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, तब से अभी तक लेके करीब 1.5-2 हज़ार ब्लाइंडों को डिफरेंस डिपार्टमेंटों में जॉब मिली है यहाँ से ट्रेनिंग करते गए हुए। और एजुकेशन के मामले में वोकेशनल और प्लेसमेंट के ये संस्था काम कर रही है। तो टाइम टू टाइम इन बच्चों की जो जैसे प्लेसमेंट होती है, कोचिंग दिलाते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया में जॉब करते हैं और गवर्नमेंट जॉब में करते हैं। यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग करते हुए HS IS भी बने हुए हैं, लेक्चरर भी हैं, बैंकों में PO भी हैं, टीचर भी हैं, BEd भी हैं, डी क्लास में भी है, सी क्लास में भी है। जी, अगर बात करें ट्रेनिंग की बात करें तो किस तरह से, क्या वेज होते हैं, क्या मेथड होते हैं, किस तरह से आप ट्रेन करते हैं? सर, ऐसा है कि नॉर्मल कैंडिडेट और ब्लाइंड में थोड़ा डिफरेंस है। ब्लाइंड को हर चीज़ हम टच करके बताएंगे। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं इनको, जो कि हम कीबोर्ड से उनको कीबोर्ड को पुश करते हैं, जिसमें उसमें साउंड आते हैं, इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जोर्ज, जो कि वो बोलता है जी। और इजीबल वो कंप्यूटर पे बच्चा इजीबल काम करता है, टाइपिंग भी करता है, मेल भी करता है, नेट भी देख करता है। जो नॉर्मल आदमी काम करता है वो ब्लाइंड पूरा उसी की तरह काम करता है। जैसे रे भाई टाइपिंग, हम बच्चों हिंदी टाइपिंग सिखाते हैं। अभी कुछ दो तीन साल से हम कंप्यूटर में टाइपिंग सिखा रहे हैं, लेकिन पहले नॉर्मल टाइपिंग, जो आम टाइपिंग होती थी, उसको पूरा हर बच्चे को पूरा बोर्ड दिखाते हैं, उसकी एक एक की को उसको बच्चे को टच कराते हैं, ताकि उसको फील करके उसको जज हो जाए कि ये कौन सा वर्ड है। जी, यादव जी ने बताया कि जो लोग अपनी आँखों की रोशनी जो बच्चे खो चुके हैं, उनको पूरी तरह से आम जनजीवन जिस तरह से जीना चाहिए उसके लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो अच्छी बात उन्होंने बताई, कि यही लोग, यही बच्चे हमारे बड़ी बड़ी सेवाओं में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो बात करें, चाहे SCS की बात करें, IAS की बात करें, टीचर्स की बात करें, लॉयर्स की बात करें, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो उनसे अछूता रहे। हमारे साथ सुषमा गुप्ता जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर खासकर हरियाणा की बात करें, यहाँ की स्थिति की बात करें, तो कितने बच्चों को फ़ायदा पहुँचा है NAB के थ्रू? नहीं, NAB के थ्रू यहाँ पे कम से कम कई 20,000 आदमी मेरे देखते देखते, मतलब इनको फ़ायदा हो चुका है। मुझे 21 साल हो गए यहाँ से जुड़े हुए, 20-25 हज़ार आदमी बच्चे यहाँ से फ़ायदा ले चुके हैं। अभी भी जनवरी में 150 बच्चों को हमने जॉब लगवाई थी यहाँ से। किस तरह की जॉब, जो चाहे प्राइवेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो इन जैसे सर ने बताया कि सरकारी जॉब के लिए तो आप लोग तैयार करवाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए किस तरह से तैयारी करवाते हैं, क्या क्या तैयारियां होती हैं? हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसके जरिए इनको जॉब मिल जाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ये लोग, अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। हम इनको होम साइंस भी सिखाते हैं, ताकि अपने घर में खाना वाना बना लें, इनको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह से। तो इसलिए इनको ज़्यादातर तो वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ही इनको जॉब मिलती है, प्राइवेट में कम मिलती है। गवर्नमेंट में भी अब इनको जैसे ESI में जॉब मिली हुई है बच्चों को, रेलवे में जॉब बहुत मिलती है इनकी, तो इस तरह हर जो भी गवर्नमेंट के होते सेक्टर उनमें ज़्यादा मिलते हैं। तो बकायदा गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए तो तैयार किया ही जाता है यहाँ बच्चों को, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी तैयार किया जाता है, पूरी तरह से नॉर्मल अपना जीवन जी सकें, इसके लिए ज़मीन पर क्या कोशिश होती है वो आपको दिखाते हैं।
अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो हम आज बताएंगे आपको कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। जी हाँ, आज उस दुनिया में लेकर चलेंगे आपको जहाँ केवल अंधेरा है, रोशनी है तो केवल उम्मीद की। सुषमा गुप्ता जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं नैब की, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। उनके ज़रिए जानेंगे कि वो रोशनी कितनी फैला पाएंगे, कितना वो आम जीवन को बना पाते हैं। ये हम देख पा रहे हैं मैम कि किस तरह से जैसे आम हम लोग काम करते हैं किचन में, बच्चे उसी तरह से कर पा रहे हैं। हाँ जी, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, वैसे ही ये ब्लाइंड बच्चे करते हैं। इनको अंदर की आंखों से दिखता है, इनकी आंखें हम लोग बन के इनको काम करना सिखाते हैं। अभी आप देखिए, स्मेल से, उसकी आवाज़ से सामान को पहचान लेते हैं कि ये हो गया या नहीं हुआ। ये आपके सामने पोहा बना के दिखा रही हैं लड़कियाँ, चाय बना रही हैं, आटा गूंद रही हैं। इनको हम 6 महीने के अंदर पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जबकि ये हमारे पास आते हैं, इनको गैस भी जलानी नहीं आती है। यहाँ आके हम इनको 6 महीने के अंदर इतने ट्रेंड कर देते हैं। ये शाही पनीर क्या, दाल मखनी क्या, पास्ता, हर चीज़ बनाते हैं जो हम लोग बनाते हैं घर। लेकिन इनको कैसे आइडिया कैसे होता है मैम कि ये अब पक गया है? किस तरह से अंदाज़ा होता है ये कच्चा है? वो पोनी की आवाज़ आती है ना, जैसे कच्चा होएगा तो आवाज़ उसकी ढीली आएगी, ऐसे गिलगिली सी। जब भुन जाएगा तो उसकी ये अलग अलग उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब तो हमें भी ट्रेनिंग हो गई इनको बता बता के, तो इसलिए वो स्मेल आती है, एक धुआं उठता है, स्मेल इनको सूंघ आ जाती है कि ये चीज़ हो गई या नहीं हुई है, तेल पक गया नहीं पका। जैसे पकौड़े भी सिखाते हैं हम लोग इनको बनाना, तो ये घड़ी की सुइयों के हिसाब से डालते हैं पकौड़े। जैसे भी एक 3 पे डाल दिया, एक 6 पे डाल दिया, 9 पे डाल दिया, 12 पे डाल दिया, दूर दूर डालते ताकि वो चिपके नहीं। तो इनको ये आइडिया रहता है कि हमें यहाँ यहाँ डालना है। इनके काम की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लेकिन करती है सारे, जितने भी काम होते हैं इनको सारे ही करती हैं। नहीं मैम, ये बड़ी चीज़ है जो आप इन लोगों को एक हमारी जो आम दुनिया है उससे अलग नहीं होने देते हैं। देख लिए, पोहा बन रहा है या चाय बन रही है और या आटा गूंदा जा रहा है। कितनी मतलब अजब सी स्थिति है, या यूं कहिए कि हम, मैं जो बात कह रहा था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं जो देख पाते हैं, जो स्पेल कर पाते हैं, ठीक से समझ पाते हैं चीज़ों को। लेकिन उन्हें केवल एहसास होता है और उस एहसास को प्रैक्टिस के ज़रिए ये बाकायदा मैम और इतने सारे लोग जुड़े होते हैं जो इनको आम दुनिया के हिसाब से पूरी चीज़ें जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, पूरी तरह हमारी तरह तकरीबन सभी चीज़ों को सिखाते हैं। ये उसकी एक वानगी है। और किस तरह की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, वो भी दिखाते हैं आपको। लगातार हम वही बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें अपनी भागदौड़ में पता ही नहीं चलता कि हमारे जो लोग, हमारे साथ के जो लोग हैं, कुदरत की एक मार की वजह से हमसे बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ होता है कि वो भी हमारे साथ चलें, हमारे साथ दौड़ें, हमारे साथ हर हिस्से को जिएं ज़िंदगी के। मैम, ये हम देख पा रहे हैं कि इन्हें आप प्रेस करना, आयरन करना भी सिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, इनको हम हर चीज़ सिखाते हैं जो इनके घर में सारी चीज़ें काम आ जाए। वो हर काम सिखाया जाता है जो अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। बाद में हम इनकी शादी भी करवाते हैं, तो इनके घर भी बसाते हैं, हम ये भी काम करते हैं साथ साथ। प्रेस तो कर ही रहे हैं, ये खाना भी बनाते हैं, इनको कपड़ा पहनना भी सिखाते हैं, साड़ी कैसे बांधनी है सारा कुछ सिखाते हैं। अभी आप देखना, साड़ी भी बांधनी सिखा रहे हैं हम लोग इनको, सिखा देते हैं, 6 महीने में ट्रेंड कर देते हैं हम इनको, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं हमारी तरह ही। बात हो गई कि रोज़मर्रा की चीज़ें, देखिए हमें ऐसे लगता है बड़ा आम होता है ये, आसान होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं इस चीज़ों को और बड़ा आसानी से हमारे लिए समझना बड़ा आसान होता है। लेकिन जो देख ही नहीं पाता है, साड़ी होती क्या है, कुर्ता क्या है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। फिर उसको, उस चीज़ को समझना, उसका महत्व समझना, उसको कैसे पहनना, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ इस चीज़ को आसान बनाया जाता है, हर एक्टिविटी जो हम और आप लोग बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि हम जब शुरू होते हैं, जब
पैदा ही होते हैं तब से ही हम देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारे लिए आसान होती है। लेकिन एक बार महसूस करके देखिए कि ये चीज़ भी कि प्रेस कहाँ से पकड़ी जाएगी, कितनी गर्म होगी, कब गर्म होगी, कहाँ तार लगाना होगा, कहाँ कपड़ा बिछाना होगा, कैसा कपड़ा रखना होगा, ये जो देख जिसने देखा ही नहीं उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन इस मुश्किल को आसान बनाते हैं यहाँ, और मैडम लगातार इस चीज़ को इनके प्रयासों के तहत इनकी पूरी टीम इसमें काम करती है, और सैकड़ों जो चाहे वो बेटियाँ हों चाहे वो बच्चे हों उनके लिए आँखें बनते हैं। लगातार हमारी खास पेशकश जारी। हाँ, साज भी और आवाज़ भी सब कुछ तो है, और ये सब इन लोगों की बदौलत ही हो पाया है कि न देख पाने के बाद भी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत और साज भी कितने शानदार तरीके से ये लोग बजा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खुशी हो रही है देख के। मैम निश्चित रूप से एक बड़ा काम है, बड़ा श्रेय जाता है। किस तरह से सिखाते हैं आप? नहीं, हम लोग इनको सिखाते, मेहनत भी पूरी होती है, इनको दिखाई तो देता नहीं सुर बताना, और टीचर हमारा पूरा इनके साथ हेल्प करता है, क्योंकि मेरे को तो म्यूज़िक नहीं आता, टीचर ही सिखाते हैं उनको। हम ट्रेन बता देते हैं कि इनको ऐसे करके सिखा दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली खुद सिखा देते हैं। यादव सर, आपने तो इस पीड़ा को महसूस किया है कि ना ना देखने वाली को, तो सच में इन बच्चों के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ की, जो आम जनजीवन में जो चीज़ हम जिसका आनंद लेते हैं, जिस चीज़ को महसूस करते हैं, और ये लोग उससे महरूम हो जाते हैं। देखिए सर, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, बाकी आपने देखा भी, इतने विजिट किया है आपने, क्या सर्ज किया है नॉर्मल और ब्लाइंड में क्या डिफरेंस है? मैं आपसे एक क्वेश्चन अर्ज कर रहा हूँ कि आपने खुद विजिट किया, आपने क्या महसूस किया इन बच्चों में, नॉर्मल बच्चों में क्या फ़र्क मिला? ऊपर वाले ने तो बड़ा फ़र्क किया, लेकिन उस फ़र्क को आप लोगों ने मिटा दिया, ये अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है देख कर। देखिए, मैं आपके मीडियम के माध्यम से पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको दया नहीं चाहिए, इनके ऊपर दया मत कीजिए, इनको अधिकार चाहिए, इनको राइट चाहिए। ये इसी समाज के अंग है जो आम आदमी इस समाज में रहता है। बहुत अच्छी बात कही है, दया के पात्र नहीं। हमें अमूमन ये घमंड हो जाता है कि हम देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते हैं, हम इनसे जुदा हैं, हम इनसे अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो किचन में बनाने कोई डिश बनाने से लेकर बात हो, चाहे रोज़मर्रा के काम हो, चाहे साज आवाज़ म्यूज़िक हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमसे इनको कमतर बनाती हो, और ये एक बड़ी कोशिश है। और इसलिए सर का, यादव सर का भी ये बहुत अच्छी बात कही है कि इन्हें दया की आवश्यकता नहीं है, हमारी तरह हक चाहिए इन्हें, जो हक हमारा है वो इनका भी है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।
आवाजों आहटों स्पर्श सुगंध की ये दुनिया है जिसमें कोई नजरिया नहीं होता, प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है विचारों की, क्योंकि हमारी नजरें जो देखती है उस नजरिए के हिसाब से ही हम लोगों को सोचते समझते हैं। लेकिन ये आर्टों के जरिए, स्पर्शों के जरिए, सुगंधों के जरिए लोगों को, चीज़ों को पहचानते हैं, समझते हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ये लोग जो है, जिस तरह से ये बच्चे हैं, तो कितना किस तरह से इनको सिखाते हैं आप ये लिखना टाइपिंग? सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्रेनिंग सेंटर है और जो बच्चे आते हैं ना हमारे पास वो 12th पास आते हैं, तो इनको ब्रेल तो पहले से ही आनी ज़रूरी होती है। बस आते समय हम इन लोगों का टेस्ट लेते हैं कि इनकी ब्रेल कितनी अच्छी है, या फिर मतलब जिसकी कमज़ोर होती है उनका तो हम फिर लेते ही नहीं है टेस्ट। और टेस्ट लेते भी हैं तो फिर हम उनको मना कर देते हैं, क्योंकि हमारा शॉर्ट हैंड का जो काम है ना वो सारा ही ब्रेल में है। अब आप ये मशीनें देख रहे हैं, बच्चे ब्रेल में कर रहे हैं, तो जो मैं इनको डिक्टेशन दे रही हूँ ना वो यहाँ से जाने के बाद वो बच्चे कंप्यूटर में करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि सारा काम ही हमारा ब्रेल में है, बच्चों को ब्रेल आनी ज़रूरी है। देखिए ब्रेल आपको बता देते हैं कि खासकर इन्हीं लोगों के लिए जो देख पाने में सक्षम नहीं होते हैं, कुदरत की मार जिस कहें या कुदरत की वजह से ये चीज़ होती है, तो ये ब्रेल लिपि है और जिसको खास तौर से इन्हीं के लिए बनाया गया है। तो इसी की वजह से पढ़ना लिखना टाइप करना ये सारी चीज़ें इसी भाषा में होती हैं। ये केवल हमारे लिए कुछ नहीं है लेकिन इनके लिए कम्युनिकेशन का, बातचीत का, आदान प्रदान का, शब्दों का सबसे बड़ा साधन है। रानू समझदार है, रानू नाम है इनका। रानू आप बहुत अच्छा गाती हैं, और ये कैसे मतलब आपको शौक है गाने का और लिख भी बड़ा अच्छा रहे? ये सर बचपन से शौक है, बट गाना तो यहीं से शुरुआत किया है जी। आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा ये जो लिखने की बात करें आप, टाइपिंग की बात करें कंप्यूटर पे, तो किस तरह से सिखाती हैं मैम, आप किस तरह से सीखते हैं? सर ये जो कीबोर्ड में एफ और जे पर बिंदु होते हैं तो इसके माध्यम से हम उंगलियां जमा पाते हैं, हाथ का संप्रेषण हो पाता है कीबोर्ड पर। और जो ये आवाज़ सुन रहे हैं वो जॉज बोलता है, ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जॉज, इसके माध्यम से हम सुनकर सारा काम करते हैं कंप्यूटर पर। जी हाँ, महसूस कर और सुनकर हमारी तरह देखिए टाइपिंग की स्पीड भी माशाल्लाह ऐसी है कि हमारा आप जिस तरह से टाइप कर पाते हैं मैडम, बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे तो, बड़ा टफ जॉब है। हाँ जी टफ तो है, लेकिन शुरू में हमें दिक्कत आती है बच्चों के साथ, बाकी फिर इनको हम शुरुआत करते हैं कीबोर्ड से, होमलाइन सिखाते हैं, फिर शिफ्ट के साथ सिखाते हैं सारा कीबोर्ड करने के बाद, फिर इनको धीरे धीरे हम छोटे छोटे शब्द बताते हैं बिना मात्राओं वाले, उसके बाद फिर तीन शब्द के, चार शब्द के, ऐसे करते करते फिर सेंटेंस पूरा बनाना सिखाते हैं। हाफ टाइम हमारे बच्चे इधर करते हैं, हाफ टाइम बच्चे शॉर्ट हैंड करते हैं। साल भर का हमारा ये कोर्स होता है बच्चों का, फिर हम जून में इनका एग्ज़ाम लेते हैं, बाहर से एग्ज़ाम लेने आते हैं, तो इनकी 35-40 की स्पीड बन जाती है बच्चों की। मेहनत होती है आपके जो टीम करती है, सच में ये जो भाषा है इनके लिए तो जीवन का आधार, इनके लिए ब्रेल ही इनके जीवन का कहते हैं ना अभिन्न अंग है, इसके बिना, इनकी ब्रेल के बिना लाइफ ही अधूरी है। IAS ऑफिसर बने चाहे कोई भी बने ऑफिसर, किसी भी पोस्ट पर रहे, बिना ब्रेल के वो कामयाबी नहीं, क्योंकि हर लैंग्वेज उनकी, हर पढ़ाई उनका जो भी काम होता ब्रेल लैंग्वेज के थ्रू ही होता है जी। तो ब्रेल लैंग्वेज इनका जीवन है, यूँ कहिए कि कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन, और यही भाषा होती है। देख सकते हैं आप सभी बड़ी आसानी से कंप्यूटर पर टाइप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसी भाषा को आगे जाके जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं हमारी, उनको ये उनमें अपीयर भी होते हैं और
उनको पास भी करते हैं। लगातार इस खास पेशकश में हमने दिखाया कि किस तरह से आम जनजीवन, हम जिन कुदरत की मार जिन लोगों पर पड़ती है, जिन बच्चियों पर, और किस तरह से हमारे सर मैडम और पूरी टीम ये काम करती है कि चाहे वो पढ़ने की बात हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बात हो, सब चीज़ों में ट्रेंड हों। आहटों की, स्पर्शों की ये दुनिया है, लेकिन इसमें रोशनी उम्मीद की बहुत है। मैम, आखिरी संदेश आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं हम समाज से यही कहेंगे, इनको लाचार बेवस मत समझें, इनका सहारा बने, इनकी आंखें रोशनी बने इनके लिए। और यहाँ पे तो महाराज जी भी आए थे, ज्ञानानंद महाराज जी 16 जून 2016 में आए थे। उन्होंने ब्रेल में जियो गीता की लॉन्चिंग करी थी। यहाँ सारे बच्चे ब्रेल में गीता पढ़ते हैं इवन हमारे। तो मैं तो यही समाज से कहूँगी कि इनको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिलवाई जाए, वो भी इनके साथ कॉपरेट करें। पब्लिक तो गवर्नमेंट में तो मिलता है, पब्लिक प्राइवेट में मिलना चाहिए। ये बच्चे दया के पात्र नहीं है, और इस हरियाणा भी हरियाणा स्टेट ब्रांच में पूरे भारत के बच्चे आते हैं। इनका खाना रहना सहना सब फ्री है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फैसिलिटी फ्री है, सारी फैसिलिटी फ्री होती है। और बच्चे आगे ट्रेनिंग करने के बाद जॉब पे लगते हैं। राइट चाहिए, ये इसी समाज के, जिस समाज में आप रहते हो इसी समाज के ये भी अधिकारी हैं। इसी समाज का ये हिस्सा है, इसी के ये अधिकारी हैं। तुझे तेरी आहट से जान लेते हैं, जिंदगी हम तुझे दूर से पहचान लेते हैं। जिया इसी जिंदा दिली से ये लोग जीते हैं और खुश रहते हैं। और हम सबके लिए भी एक बड़ी सीख ये है कि अमूमन हम छोटी छोटी कमियों का हवाला देते हैं और ज़िंदगी में निराश और हताश हो जाते हैं, लेकिन कुदरत की इतनी बड़ी मार के बाद भी ज़िंदगी को उसी दौड़ में शामिल करने की जद्दोजहद में रहते हैं जिसमें हम हैं। ये भी IAS बनना चाहते हैं, ये भी लॉयर बनना चाहते हैं, ये भी टीचर बनना चाहते हैं। बहुत कुछ है इनसे सीखने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Yeah.